ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे, आप लोग लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। बाकी मैं आपके लिए ये एक रीडिंग लेके आई हूँ जो कि आप सबको बहुत इंतज़ार रहता है, जो कि है हमारी नो कॉन्टैक्ट से रिगार्डिंग। और इस नो कॉन्टैक्ट रीडिंग में हम आपकी एनर्जी देखेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जीज, फीलिंग्स, इंट्यूशन, क्या चाहते हैं वो, ये जानने की कोशिश करेंगे। एंड लास्ट में उनके लव मैसेजेस निकालेंगे, देखेंगे कि वो आपको एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं और देखेंगे कि किस तरह से ये रीडिंग आपके लिए निकलती है। दूसरा फ्रेंड्स, मुझे आपसे ये कहना है, जिन सब ने भी आज इस रीडिंग को फर्स्ट टाइम देखा है या जो मेरे चैनल पर रेगुलर व्यूअर हैं पर आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। और आप लोगों के ही प्रोत्साहन से मेरा चैनल आगे बढ़ पाएगा और मेरी मेहनत का कहीं ना कहीं मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। सो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ। दूसरा मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि किसी को भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर देखिए ये नीचे मेंशन है, प्लीज़ आप लोग मुझे डायरेक्ट कॉल मत करा करें, पहले व्हाट्सएप करके बात करा करें और फिर मेरी अवेलेबिलिटी और उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग आप मेरे से आगे टाइम बुक कर सकते हैं। सो एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, लास्ट आप इसे एक जनरल रीडिंग की तरह लें, ज़बरदस्ती कोई भी बात, कोई भी एनर्जी को खुद पे फोर्स नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ आपको हमेशा रीडिंग्स देखते वक्त यूट्यूब पे ध्यान रखनी है, चाहे मेरी देखें चाहे किसी भी रिस्पेक्टेड टैरो रीडर की देखें, कि ये एक जनरल रीडिंग है। सो क्योंकि वो आपकी पर्सनल कार्ड्स नहीं निकाल रहे, आपकी पर्सनल एनर्जी नहीं निकाल रहे, तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ अपने आप को और उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना होगा कि शायद चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, ठीक है, ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करना है। सो एक छोटी सी मेरी आपसे गुजारिश थी जो कि मैं आपको कहना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो बिल्कुल नए रीडिंग्स देखते हैं वो बहुत ज़्यादा इसे दिल पे ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा डाउन फील करने लगते हैं, तो जब तक आप पर्सनल रीडिंग नहीं ले रहे तब तक नहीं। सो नाम राशि, सन साइन, मून साइन, जिसके भी अकॉर्डिंग आपको ये मैच करती है उसके अकॉर्डिंग देखें। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ओके, सो लियो राशि फ्रेंड्स, सिंह राशि देखने की कोशिश करते हैं इस नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी में। सबसे पहले आपके बारे में, आप क्या फील कर रहे हैं अगले एक हफ्ते, आपकी क्या एनर्जी है, आपके माइंड में क्या चल रहा है। सो स्टार्ट करेंगे आपकी एनर्जी से। सबसे पहला आपका किंग ऑफ कप्स, नंबर वन, नंबर टू द लवर्स, देन वी हैव एट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर मुझे लियो राशि ऐसा दिख रहा है कि आप अंदर से ना बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा उनका लव बार बार आपके माइंड में चलता है, आपको लगता है किसी तरह वो मेरी लाइफ में फिर से वापस आ जाए, या आपको वो पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं और आप भूल नहीं पा रहे, आपके माइंड में वो सब एक सर्कल की तरह घूमता रहता है और कहीं ना कहीं आप स्टक हो जाते हैं, आप फंस जाते हैं उस पूरी चीज़ में। और क्योंकि आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, आप एक दूसरे को नहीं वो चीज़ें बोल पा रहे, कह पा रहे, तो आपको क्या लगता है कि मैं ना अपना ध्यान किसी तरह हटाऊं, क्योंकि मैं अपने पर्सन को वापस नहीं ला पा रहा अपनी लाइफ में या ला पा रही, तो मैं ना उसके साथ ऐसा क्या करूं कि मैं इमोशनली डिटैच हो जाऊं। आप कहीं ना कहीं उसको मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट क्योंकि आप लोगों ने या तो एक दूसरे को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, बिल्कुल हर जगह पे, मतलब आपने हर जगह उनको अनफॉलो कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, और फिर वो रास्ते आपने खुद ही बंद कर दिए। जब क्या होता है ना, फिर रास्ते बंद हो जाएं तो हमारे मन में आता है कि हम किसी तरह कुछ बातचीत करें। आप कुछ ऐसी ही मुझे तड़पती हुई परेशान सी एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे, और एक क्रेविंग कर रहे हैं आप, ठीक है। सो बहुत आपको उनका प्यार, उनकी इनकी पॉजिटिव एनर्जी, कहीं ना कहीं वो गुड मोमेंट्स जो आपने उनके साथ बिताए हैं वो आपको याद आ रहे हैं। बढ़ते हैं आपके पार्टनर की इस एनर्जी पे, नो कॉन्टैक्ट में आपका पार्टनर क्या सोच रहा है, उनके माइंड में क्या चल रहा है। सो जल्दी से कार्ड्स निकालते हैं फ्रेंड्स। सो क्या है
लियो राशि के पार्टनर की एनर्जी इस नो कॉन्टैक्ट में। एस ऑफ कप्स, द टावर, फोर ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपका पार्टनर भी आपकी तरह सैड है, उदास है। ये जो टावर मोमेंट आया है ये उनके लिए भी इजी तो नहीं है। वो भी काफ़ी ज़्यादा इस टाइम टूट गए हैं अंदर से। उनको भी अंधेरा आ गया लाइफ में और चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हैं। बहुत कुछ सोचा था ज़िंदगी में आपके साथ, ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, हालांकि सब सपने कहीं ना कहीं उनके भी चकनाचूर हो गए हैं। या सोचा नहीं था उन्होंने इतनी ब्रूटल एंडिंग होगी या इतना बड़ा झगड़ा हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा। सो बार बार जो कांस्टेंट आप दोनों के झगड़े हैं उसकी वजह से वो भी बहुत उदास हैं। खुद को काफ़ी एनालाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि हमारा रिश्ता इतना कच्चा भी नहीं है कि इतना फटाफट टूट जाए। तो होप तो उन्हें है कि मे भी ये जो दूरी है, ये जो एक खालीपन आया है हम दोनों की लाइफ में, आने वाले टाइम में या तो ये हमें बना जाएगा या बिगाड़ जाएगा। या तो ये रिश्ता हमारा परमानेंटली ठीक हो जाएगा इस नो कॉन्टैक्ट के बाद, या फिर मतलब जैसे कहते हैं ना, आर या पार। सो इस तरह की एक एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं और चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं कि धीरे धीरे इनकी एनर्जी बदले और आपकी तरफ ये पॉजिटिव हों। बट अभी तो ये न्यू बिगिनिंग के बारे में बिल्कुल चाहते भी हैं अगर सोचना, तो फिर इन्हें बार बार वही नेगेटिव बातें और वो लड़ाई, वो सब जो पूरा एक सिनेरियो है वो याद आ जाता है। सो इन्हें जितना हो सके उतना बैलेंस होने दीजिए ताकि ये वापस से आकर आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सके। बढ़ते हैं इनके उन हिडन मैसेजेस की तरफ जो ये आपसे कहना तो चाहते हैं लेकिन क्योंकि नो कांटेक्ट है इसलिए कह नहीं पा रहे। सो क्या है लियो राशि के पार्टनर के हिडन मैसेजेस? लियो के पार्टनर के हिडन मैसेजेस, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। देखिए, ग्रेटफुल हैं कि आप इनके ज़िंदगी का हिस्सा हैं, भले ही आज दूर हैं, भले ही आज आप बातें नहीं कर रहे, बट आपने एक, क्योंकि एक ऐसा आपके खुद के कार्ड्स देखे ना, आपने कितना लव फील कर रहे हैं, इमोशनली डिटैच कर रहे हैं बट लव फील कर रहे हैं, तो वही फील इनको भी हुआ है, वही लव इनको भी फील हुआ है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि जो किया आपने वो सब खड्डे में चला गया। एंड आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू, तो मैंने आपको बोला आपको थोड़ा समय देना होगा नो कॉन्टैक्ट में। चीज़ें आपके हक में आएंगी लियो, अभी ज़रूर टफ टाइम है बट थिंग्स विल चेंज और वक्त आपका बदलेगा, ठीक है। सो आपको नेगेटिव नहीं होना है और अच्छा वक्त आने वाला है। सो यहाँ पर मैं आपकी रीडिंग को करती हूँ कंप्लीट। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको अगली रीडिंग में मिलूँगी फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय फॉर नाउ।